हम यदि विद्यालयी विषय के फीचर्स या फिर उसकी आकृति, हमने कई शब्द ढूंढे लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको लगा वो हमने हिंदी में कोई आकृति। तो फीचर्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में एक नाम है ग्रॉसमैन, हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। उनके साथ एंड है एस्टोलोस्की, एस्टो डो लस्की, LASKY, यस। तो ग्रॉसमैन एंड एस्टो डुलस्की ने तीन फीचर्स की बात की है। फीचर्स मैं बाद में लिखता जाऊंगा, मैंने एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसमें जो पहला फीचर है वो कहता है स्कूल सब्जेक्ट्स डिफर इन देयर स्टेटस, डिफर इन देयर स्टेटस। ये हर स्कूल सब्जेक्ट्स का स्टेटस डिफरेंट होता है। मैथमेटिक्स है, साइंस है, लैंग्वेज है, सोशल साइंस है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से हैं। और यदि आप पुराना पाठ्यक्रम, जैसे हम लोगों के समय भी स्कूल लेवल पे इवन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल तक पढ़ना अनिवार्य नहीं था, बाद में फिर शिक्षा नीतियों के माध्यम से एजुकेशनिस्ट लोगों के सजेशन पे मैथमेटिक्स को अप टू सेकेंडरी लेवल कंपलसरी बनाया गया। और विकास की इस लंबी यात्रा में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो पहला जो ग्रॉसमैन एंड एस्टोडोलोस्की के अनुसार स्कूल सब्जेक्ट की विशेषता है, वो पहला यह है कि हर इस विषय जो है उस विषय विशेष की जो स्थिति, जो स्टेटस है विद्यालय में वो डिफरेंट है। सो डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स आर देयर डिफरेंट स्टेटस। दिस इज ड्यू टू देयर रिलेटिव यूटिलिटी इन लाइफ एंड फर्दर स्टडी। ठीक है, जो सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए या फिर फ्यूचर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैट्रिक तक पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ें, मैट्रिक के बाद क्या होगा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, हालांकि आज ये भी आ गया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी अब रिकमेंड करती है, जो खास के 2020 कि ये सब आना चाहिए। तो क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन आर कंसिडर्ड लेस इम्पोर्टेंट इन कंपेरिजन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये चीज इतना आसान है कि आप खुद से समझ सकते हैं, ज्यादा नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि फीचर में, आकृति में, विद्यालय विषयों की सबका स्टेटस एक जैसा नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट्स का स्टेटस थोड़ा हाई होता है, बाकी सब कंपेरेटिवली लो स्टेटस के होते हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इट्स, और मैं डायरेक्ट तो कह नहीं रहा हूँ आपको। दूसरा सिक्वेंशियली टी, सिक्वेंशियली टी, सिक्वेंस मतलब हायरार्किकल इन नेचर, सिक्वेंस इसके बाद ये, और आपने पढ़ा भी है लर्निंग की थ्योरी, गाइने वगैरह की थ्योरी आप, और बहुत सारे कंसेप्ट से आप परिचित हैं, इसलिए यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सिक्वेंशियलिटी इज परसिव्ड एज इंपॉर्टेंट इन स्कूल सब्जेक्ट्स। सिक्वेंशियलिटी इज इंपॉर्टेंट इन स्कूल सब्जेक्ट्स, सिक्वेंस, और इसीलिए प्राइमरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में एंड लाइक दैट। और इसका जीता जाता उदाहरण आप थोड़ा सा जरूर देखें स्कूल एजुकेशन वाला जो पार्ट है उसके करिकुलम का, जहां हमने पिछले लेक्चर में कहा कि 5+3+3+4, 5+3+3+, 5+3+4+4 कहते हैं, 5 3 8, 8 8 16, 5+3+4+4। खैर, सिक्वेंसिलिटी इज परसिव्ड एज इम्पोर्टेंट इन स्कूल सब्जेक्ट्स वेयर सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स हैव टू बी लर्न बिफोर प्रोसीडिंग्स टू न्यू लर्निंग। कुछ फाउंडेशन का काम करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल,
द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर टू बी टॉट बिफोर टीचिंग फ्रैक्शन। ये मैथमेटिक्स तो है ही, इसका नेचर थोड़ा ज़्यादा है रैडिकल है, लेकिन और सब्जेक्ट में भी, क्योंकि सामान्य ज्ञान जो EVS के माध्यम से आप देते हैं वो एक फाउंडेशन का काम करता है, न केवल समाज अध्ययन के लिए बल्कि विज्ञान के अध्ययन। सो सिक्वेंसी वो ही फाउंडेशन का काम करते हैं। तीसरा स्कोप ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स इज कॉम्प्रिहेंसिव। हालांकि यहां हमने थोड़ा सा समझने के लिए मॉडिफाई किया है जो ओरिजिनल टेक्स्ट से, जहां से हमने ग्रॉसमैन एंड डॉस्टोयेव्स्की को किया है, तो उसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट नहीं था, लेकिन हमको लगा कि आपको समझाने के लिए मीन कर रहा था, लेकिन है नहीं, आगे के चीज से स्पष्ट है। तो द स्कोप ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉर डिफरेंट एरिया। और जब भी हम डिफरेंट एरिया की बात करते हैं तो ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। सो द स्कोप ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉर डिफरेंट एरिया। साइंस इज एन एरिया, मैथमेटिक्स इज एन एरिया, सोशल इश्यूज इज एन एरिया, और फिर देर आर अदर एरियाज, इन्वायरमेंट में भी एन एरियाज, फिजिक्स का भी कुछ एरिया, एंड दैट डिपेंड्स ऑन सिक्वेंशियलिटी। दिस स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट रेफर्स टू द डिफरेंट डिसिप्लिनरी एरियाज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट्स विच कैन बी ब्रॉड और रेस्ट्रिक्टेड। एज फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉड बेस्ट सब्जेक्ट इज फिजिकल साइंस विच इंक्लूड्स फिजिक्स केमिस्ट्री, सोशल साइंस इंक्लूड हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। तो ये कह रहा है कि एक तो कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरा डिफरेंट एरिया, और ये एग्जाम्पल में कहा कि ब्रॉड बेस्ट सब्जेक्ट्स है कुछ, ब्रॉड बेस्ट, और ऑब्वियस है ब्रॉड बेस्ट कहाँ पढ़ाए जाएंगे, शुरू के दिनों जैसे EVS पढ़ाए। अभी कह रहा है कि जैसे फिजिकल साइंस है, फिर आगे बायोलॉजिकल साइंस है, उससे पहले साइंस है, उससे पहले EVS है, ये सब जो है ये क्यों है। अब उसी का एक एग्जाम्पल है कि ब्रॉड बेस्ड सब्जेक्ट जैसे फिजिकल साइंस है तो उसमें केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, उसमें यदि चाहिए तो थोड़ा सा जियोलॉजी वगैरह भी, ज्योग्राफी भी कुछ उसका पार्ट आ सकता है साइंस के रूप में, और ज्योग्राफी तो उधर भी जा सकता है, और फिर सोशल साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। तो वो कह रहा है कि जो ब्रॉड बेस्ड सब्जेक्ट हुआ वो सोशल साइंस हुआ, वो फिजिकल साइंस हुआ, और उसके भीतर के जो विषय हुए वो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर सिविक्स और इकोनॉमिक्स टाइप हुए। सो वी हैव लर्न दैट द स्कूल सब्जेक्ट हैज इट्स ओन फीचर, इसकी आकृति और बनावट अपने आप में डिफाइंड है, और इस चीज में इन दो महानुभावों के अनुसार, और फिर आगे आप भी इसको बढ़ा सकते हैं आधार ज्ञान प्राप्त करके, कि इसका स्टेटस डिफरेंट होता है हर स्कूल सब्जेक्ट का। और मान लीजिए आपको भी कहा जाए कि चार विषय को आप क्रम से इम्पोर्टेंस के आधार पर लगाइए, देन यू विल बी एबल टू डू इट सिक्वेंसली। और उसमें यदि स्पेसिफिक कर दिया जाए कि जो प्री स्कूल ईयर्स है उसमें आपको तीन विषय पढ़ाने हैं तो तीन कौन पढ़ाएंगे, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सिक्वेंशियलिटी, है ना। पहले जो पुराना कंसेप्ट है जनरल इंटेलिजेंस का, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि समथिंग ऑफ एवरीथिंग, सिक्वेंशियल, और फिर स्कोप इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलेटेड टू डिफरेंट एरियाज। मानव से संबंधित कितने सारे ज्ञान को समाहित किया जा सकता है स्टेज स्पेसिफिक रूप में, इन सब चीज़ों का विषय से सीधा संबंध है। और ये सारी चीज़ें फीचर्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स या विद्यालय विषयों की आकृति, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा उनका
लुक होगा, इसके बाद इस पार्ट में हम लोगों ने फीचर्स या आकृति विद्यालय ऋषियों के बारे में अध्ययन किया।